समय देश दुनिया देश विदेश आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर आमेरिका रे आगामी 4 वर्ष पर नुआ राष्ट्रपति चयन होती डोनाल्ड ट्रंप 47वां राष्ट्रपति हे 2020 रे निर्वाचन रो जो बाइडेन को ठारु परास्त होबा परे 2024 रे पुणी थरे कमबैक करिसेंती तबे वर्तमान प्रश्न उठुछि ट्रंप को पई किपरे रहिबो विश्व रो स्थिति डोनाल्ड ट्रंप एभले समय रे अमेरिका रो राष्ट्रपति होइसेंती जो विश्व रो भिन्न भिन्न स्थान रे युद्ध रो कळाबादल घटिछि गोटे पटे युक्रेन ओ रूस मध्ये रे युद्ध चालुथवा बेले अन्य पटे मध्य प्राच्य अशांत होइछि इजराइल सहित फिलिस्तान ईरान लेबानन आदि युद्ध करुछंती मो कृष्णा तमाम विषय को नहीं आज लीड स्टोरी ट्रंप को पाई बढ़िबो कि उत्तेजना आलोचना पूर्व देखि नबा देश दुनिया रो टॉप हेडलाइंस जम्मू काश्मीर विधानसभा रे हंगामा एक प्रस्ताव को नहीं विधायक मानक मध्य धस्ताधस्ती प्रत्याहार पाई दाबी रखिले बीजेपी विधायक डीएमएलए उपरे सुप्रीम कोर्ट का गुरुत्वपूर्ण राय सरकारी कर्मचारी विरोध में मामला पूर्व अनुमति जरूरी विश्व उत्तेजना बढ़िबो ना शांति फेरिबो डोनाल्ड ट्रंप को द्वितीय कार्यकाल को नहीं बढ़िला चर्चा आलोचना राजनैतिक समीक्षक देले भिन्न मत इंटरनेट व्यवहार में भारत को नुआ सफलता 96 कोटी में पहुंचला सब्सक्राइबर संख्या विश्व हासिल कला एक स्वतंत्र स्थान पेट्रोलियम रत्न पथर चीनी रप्तानी क्षेत्र में भारत दबदबा 5 वर्ष रेकर्ड संख्यक एक्सपोर्ट बढ़ुछि बंधुराष्ट्र संख्या आईसीसी टेस्ट बैटिंग मान्यता पंत उठिले जयसवाल खसिले 10 वर्ष पर श्रेष्ठ 20 रु बाद पड़िले कोहली धारा 370 प्रत्याहार प्रस्ताव को नहीं जम्मू काश्मीर विधानसभा शासक दल विधायक एवं विरोधी मध्य धस्ताधस्ती परिस्थिति सृष्टि होई झगड़ा समय रे राज्य मुख्यमंत्री ओमार अब्दुल्ला गृह में उपस्थित थे गृह में वृद्धि पाता उत्तेजना देखि आसंता पर्यंत गृह कार्य को स्थगित रखी कही रखुछु जे बारमूलार लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद भाई खुर्शीद अहमद शेख गृह में धारा 370 बैनर देखाइबा परे एही विवाद आरंभ होइथिला धारा 370 बैनर देखाइबा परे विधानसभा रे विरोधी दल नेता सुनील शर्मा एहाकु विरोध करथिले यहापर उभय दल विधायक माने निज आसन उठी गृह मझे झगड़ा करथिले कहुछि जे किछि विधायकों मध्य हाताहाती परिस्थिति सृष्टि होइछि परिस्थिति को नियंत्रण को आणिबा पई मार्शल मानकु गृह भितर को आसिबाकु पड़िला सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए सह जड़ित एक मामलें एक गुरुत्वपूर्ण टिप्पणी करिछंती कोर्ट कहिछंती सरकारी अधिकारी और विचारपति विरोध में पीएमएलए मामला पूर्व सरकार अनुमति नेबाकु पड़िबो सीआरपीसी धारा 197(1) अधीन सरकारी कर्मचारी विचारपति विरोध में मामला चलाइबा लागि सरकार संबंधित अथॉरिटी मंजूरी नेबाकु पड़िथाय सीआरपीसी एक प्रावधान पीएमएलए मामलें भी लागू हेबो सुप्रीम कोर्ट कहिछंती घटनाटी तेलंगाना हाईकोर्ट जणे आईएएस अधिकारी विरोध में सरकारी स्वीकृति बिना पीएमएलए मामला को खारज कर हाईकोर्ट का सही राय को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी सुप्रीम कोर्ट रे चैलेंज करिथिला सुप्रीम कोर्ट रा जस्टिस एएस ओकांको अध्यक्षत गठित खंडपीठ ईडी आवेदन को खारज कर प्रमेय देश दुनिया रे समय जीरो लीड स्टोरी रो अमेरिका रे आगामी 4 वर्ष पई नुआ राष्ट्रपति चयन होइछंती डोनाल्ड ट्रंप 47वां राष्ट्रपति हेबे 2016 रे से प्रथम थर अमेरिका रा राष्ट्रपति भाबे निर्वाचित होइथिले एबे द्वितीय थर पई से डेमोक्रेटिक पार्टी प्रार्थी कमला हैरिस को परास्त करी अमेरिका रा राष्ट्रपति भाबे विजय होइछंती मात्र 2016 निर्वाचन अपेक्षा एही मुकाबला संपूर्ण भाबे भिन्न 2016 रे डोनाल्ड ट्रंप प्रथम थर निर्वाचित हो व्हाइट हाउस पहुंचा समय वैश्विक स्थिति अलग थिला हेले एबे विश्वर स्थिति संपूर्ण भिन्न रही सेही समय डोनाल्ड ट्रंप नव नियुक्त भावे व्हाइट हाउस रे पहुंचीथिले मात्र एबे अनुभव एवं अधिक आक्रमणात्मक भावे सरकार चलाइबार इच्छा शक्ति रखिछंती अमेरिकावासी स्वार्थ एवं विश्वर एक शक्तिशाली राष्ट्रर नेता भावे कार्य करिवो बोली आशा करा जाउछि 2024 रे डोनाल्ड ट्रंप को विजय पूर्व निर्वाचन अपेक्षा बड़ विजय बोली कहा जाउछि 2016 मुकाबला अपेक्षा एथर तंको अधिक प्रतिशत भोट मिलिछि ता छड़ा 2024 राष्ट्रपति निर्वाचन रे बड़ प्लस पॉइंट होउछि डोनाल्ड ट्रंप को पार्टी अमेरिका सीनेट रे बहुमत हासिल करिछि अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचन संगे संगे कांग्रेस बा संसद इलेक्शन मध्ये होउछि अमेरिका कांग्रेस दुई भाग रे विभक्त होइछि एथिरे अपर हाउस बा सीनेट एवं निम्न गृह बा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को आछे रिपब्लिकन पार्टी सिनेट्रे बहुमत हासिल करिछि 100 आसन विशिष्ट सिनेट्रे रिपब्लिकन पार्टी को 52 सीट मिलिथवा बेले डेमोक्रेटिक पार्टी को 44 आसन मिलिछि 4 वर्ष रे प्रथम थर रिपब्लिकन पार्टी को सिनेट्रे संख्या गरिष्ठता मिलिछि सेपरि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रे रिपब्लिकन पार्टी को 206 सीट मिलिथवा बेले कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी 190 आसन रे विजय होइछि
ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୁଦ୍ଧର କଳାବାଦଲ ଘଟିଛି। ଗୋଟିଏପଟେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହିତ ଫିଲିସ୍ତାନୀ, ଇରାନ୍, ଲେବାନନ୍ ଆଦି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବେ। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗିବ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହେବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବା ଦେଶ ହେଲା ଭାରତ। ଦେଶରେ ଏବେ ପ୍ରାୟ 96 କୋଟି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜର ରହିଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ୟୁଜରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ରୁଷର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ଆଉ ଏହି 96 କୋଟି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସହ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏପ୍ରିଲ ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 95.44 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 96.96 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 1.59% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ 96.96 କୋଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4.2 କୋଟି ୱାୟାର୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ଏବଂ 92 କୋଟି ୱାୟାରଲେସ୍ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଏବଂ ରୁଷର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ଆଉ ଏହି ତଥ୍ୟ ହିଁ ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଚାହିଦାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତର ଦକ୍ଷତା। ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରତ୍ନପଥର, ଆଗ୍ରୋ କେମିକାଲ୍ସ, ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନୀ କରି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦେଶ। ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2023 ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନୀ 84.96 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ରପ୍ତାନୀରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ 5ମ ସ୍ଥାନରୁ 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 2018 ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ 6.45% ଭାରତର ସେୟାର 2023 12.59%କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ରପ୍ତାନୀରେ ବି ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। 2023 ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଭାରତର ସେୟାର 36.53%କୁ ବଢ଼ିବା ସହ ଭାରତ ଏହି ସେକ୍ଟରରେ ଟପ୍ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛି। ସେହିଭଳି 2023 ଚିନି ରପ୍ତାନୀ 3.72 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ହୋଇଛି, ଯାହା 2018 0.93 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସେୟାର 4.17%ରୁ 12.21%କୁ ବଢ଼ିଛି, ଫଳରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଚିନି ରପ୍ତାନୀକାରୀ ଦେଶ ହୋଇଛି। ପ୍ରମେୟ ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଫେରିବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ନେଇ।